व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5 और यहां पे मैंने फिर से फ्रैंकलिन उठाया। तो अभी मैं गाइस यहां पे अपने हाउस में आ चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन का यहां पे हाउस है। तो गाइस वैसे भी यहां पे दोपहर हो गई, तो मुझे जाना होगा बाहर की तरफ क्योंकि मेरे फ्रेंड की कॉल आई है गाइस लमार की। वो कोई मतलब स्पोर्ट्स टाइप की व्हीकल गाइस गैराज के एरिया में लाया, जो मेरा गैराज है लॉस सैंटोस में। तो वहाँ पर हमने जाना होगा गाइस, व्हीकल को रिपेयर करवाना होगा, फिर कस्टमाइज भी करवाना होगा। तो मैं जा रहा हूँ गाइस, लमार की वैसे भी कॉल आ चुकी है। तो वैसे भी हमने मतलब यहाँ पे अपना क्लोज हर चीज़ ले ली है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो यार देख लेते हैं, वैसे मैं अपनी इस बाइक में जाऊँगा क्योंकि हमने वैसे भी वहाँ पे जाके व्हीकल चेंज करनी होगी, तो इस वजह से अपनी ये वाली व्हीकल नहीं लूँगा। तो गाइस अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ लमार के पास, देखते हैं किस टाइप की वो मतलब व्हीकल होगी, स्पोर्ट्स कार जिसको हमने रिपेयर करवाना होगा। उसके बाद गाइस पता नहीं कि क्या करना होगा, मतलब वो क्यों वहाँ पर लाया है। तो मैं जा रहा हूँ गाइस अभी। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अभी चलते हैं लमार के पास। तो अभी मैं यहाँ पे फाइनली आ चुका हूँ इस एरिया में गाइस, जहाँ पे मेरा गैराज है और जहाँ पे मतलब लमार वेट कर रहा है अपनी स्पोर्ट्स व्हीकल के साथ। तो फाइनली अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गाइस। वैसे ये एरिया थोड़ा डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा लॉस सैंटोस के एरिया में सबसे ज़्यादा गैंगस्टर इस एरिया के अंदर होते हैं। तो अभी यहाँ पे ही मैं वैसे आ चुका हूँ, तो कोई मतलब इशू नहीं होने वाला क्योंकि लमार के वो फ्रेंड्स होंगे जितने भी यहाँ पे गैंग मेंबर्स हैं, तो वो हमें कुछ बोलने वाले नहीं है। तो गाइस फाइनली भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो फर्स्ट तो अपनी बाइक को पार्क लेते हैं, उसके बाद ये मैं स्पोर्ट्स व्हीकल भी ढूंढ लेता हूँ गाइस कहाँ पे भी ये होगी। तो मुझे लगता है गाइस ये वो व्हीकल होगी क्योंकि स्पोर्ट्स ही लग रही है, लेकिन ये क्या यार, इसकी तो बिल्कुल कंडीशन ख़राब है यहाँ पर। तो मतलब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब पूरे तरीके से ये डैमेज हो चुकी है और ओल्ड टाइप की कोई स्पोर्ट्स कार लगती है। वैसे लमार ये कौन है, ये लमार लगता है गाइस अभी ये रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है इस व्हीकल को। तो मुझे लगता है इससे रिपेयर नहीं होने वाली, हमें इसको रिपेयर शॉप पे लेके जाना होगा। तो उसको बता देता हूँ मैं आ गया हूँ फाइनली यहाँ पे। तो उसको गाइस उठा लेते हैं, फिर आगे जाएंगे हम। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे लमार आ गया है, तो उसको मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे मतलब रिपेयर शॉप पे, जहाँ पे हमने इस व्हीकल को रिपेयर करना होगा। और वैसे भी अभी इसने गाइस थोड़ा बहुत तो रिपेयर कर ली है, मतलब पहले से बेहतर कंडीशन होगी ये व्हीकल की। तो मतलब अभी हम जा सकते हैं वहाँ पर रिपेयर शॉप पर। और वैसे भी अभी मेरे यहाँ पे लमार से गाइस बात भी हो गई है, तो उसने बोला कि आज रात को लॉस सैंटोस सिटी के अंदर गाइस बहुत स्पेशल टाइप की कोई रेस होने वाली है, जिसके अंदर गाइस इंटरनेशनल मतलब मेंबर्स होंगे जो कम्पीट करेंगे, और उस रेस जीतने पे गाइस कोई अच्छी सी प्राइस भी हमें मिलने वाली है। तो फर्स्ट तो यार व्हीकल को रिपेयर करवा लेते हैं, उसके बाद हम कस्टमाइज करते हैं कि ताकि गाइस मतलब रेडी हो जाए रेस के लिए व्हीकल। तो देखते हैं गाइस, क्योंकि उनकी व्हीकल बहुत ही हाई क्लास होंगी अगर मतलब क्योंकि इंटरनेशनल टाइप की रेस है, इस वजह से गाइस पता नहीं, लेकिन यार फिर भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो यार जाते हैं उस तरफ रिपेयर करवाने। तो देखते हैं गाइस, मतलब हो सकता है कि हम वो रेस जीत जाएं अगर हम इस व्हीकल को अच्छे से अगर हम कस्टमाइज करवाएंगे, इसको मतलब स्पोर्ट्स टाइप का बनाएंगे, इसके अंदर इंजन को अपग्रेड कराएंगे, उसके अलावा गाइस जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं सस्पेंशन टर्बो वर्बो वो अगर हम मतलब इसके अंदर हर चीज़ लगा लेंगे गाइस, तो हो सकता है हम वो रेस जीत जाए। तो अब जा रहा हूँ अभी मैं यार, फर्स्ट तो उसको कस्टमाइज़ करवा लेंगे। और फाइनली यहाँ पे गाइस वो एरिया भी आ चुका है जहाँ पे हमने मतलब इसको रिपेयर करना होगा कस्टमाइज। तो अभी फाइनली गाइस को देखते हैं उस रेस के लिए, मतलब तैयार करते हैं जो आज रात को लॉस सैंटोस में होने वाली है। अबे कोई बात नहीं गाइस, इसको बाद में हम मतलब ये खुद ही रिपेयर करा लेंगे। तो फाइनली अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो यार जल्दी से रिपेयर करवा लेते हैं, उसके बाद कस्टमाइज भी। तो ये गाइस फाइनली यहाँ पे हमारी व्हीकल बिल्कुल रेडी हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसको मैंने मतलब फुली अपग्रेड करा लिया है गाइस। यहाँ पे न्यू बॉडी किट लग चुकी है, उसके अलावा यहाँ पे मतलब इंजन भी मैंने अपग्रेड करा लिया है, टर्बो भी लग चुका है, और भी मतलब जितनी भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं गाइस मतलब व्हीकल को अपग्रेड कराने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस उस एरिया में जहाँ पर वो रेस होगी। तो फर्स्ट तो यार मार्क कर लेता हूँ, वैसे सामने गाइस वो एरिया है ये जहाँ पर मेरा गैराज था। और वैसे भी गाइस अभी नाइट हो चुकी है, तो हमने जाना होगा क्योंकि रात के अंदर ही वो रेस होने वाली है गाइस इंटरनेशनल टाइप की, जिसके अंदर गाइस बहुत ही ख़तरनाक टाइप के रेसर्स आने वाले हैं कम्पीट करने। तो मुझे मतलब ये भी पता चला गया उनके पास भी कोई स्पेशल अपग्रेड वर्जन वाली व्हीकल्स होंगी जिनसे हमने मतलब कम्पीट करना होगा। मुश्किल रेस है, लेकिन गाइस का प्राइस भी उतना ही अच्छा होगा। तो मैं भी वहाँ में जा रहा हूँ गाइस लमार के साथ, देख लेते हैं किस टाइप की रेस है और क्या हमें प्राइस मिलने वाला है। तो गाइस अभी मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे वो रेस होने वाली है। तो यार देख लेते हैं कहाँ पे होंगी, अभी आगे लगते हैं यहाँ पे कहीं। तो ये गाइस फाइनली मुझे मतलब वो एरिया मिल चुका है, ये वो रेस होगी गाइस। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और अभी हमें मतलब $100 देने होंगे इस रेस में एंट्री के लिए, मतलब ये टिकट टाइप का कोई है सीन। तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस रेस को।
फाइनली गाइस अभी यहाँ पे रेस स्टार्ट होने वाली है। इनकी भी अपनी कोई स्पोर्ट्स टाइप की व्हीकल है, तो जितनी भी ये गाइस दूसरे कॉम्पिटिटर व्हीकल लाए सभी कस्टमाइज हो चुकी हैं यहाँ पे, मतलब कस्टमाइज है। तो अभी स्टार्ट हो गई गाइस फाइनली रेस, तो देखते हैं। और अभी मैं 6th पोजीशन पे हूँ, लेकिन आगे जाने की अभी ये क्या, तो लगता है इनका एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या गाइस। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे 2nd प्लेस पे आ गया, तो लगता है उनका मतलब पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया था, इनकी वजह से कोई हम मतलब आगे निकल आए, लेकिन फिर भी देखते हैं। अभी भी एक व्हीकल मेरे आगे जा रही है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं उसको। मैं अभी कोशिश करता हूँ कैसे आगे निकलने की। और वैसे फ्रैंकलिन की स्पेशल एबिलिटी भी है, उसका भी हम यूज़ करने वाले हैं गाइस, जो कि ये है स्लो मोशन में, मतलब हमारी व्हीकल अभी जा सकती है यहाँ पे। तो यस गाइस फाइनली अभी मैं 1st प्लेस पे आ गया, वो भी मतलब उसका भी कोई पे यार, तो लगता है गाइस हमारा भी एक्सीडेंट हो गया और वो फिर से आगे निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर क्या कर रहा है। तो अभी गाइस ये चीटिंग पे आ गए, यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो मतलब रेसर्स हैं, इनसे भी फिर से आगे निकलते हैं। तो वैसे मैं कोशिश करूँगा गाइस कि अपने स्पेशल एबिलिटी ना यूज़ करूँ, उसके बगैर हम मतलब ये रेस जीत जाए, क्योंकि वो भी मतलब चीटिंग में आ जाएगा स्पेशल एबिलिटी। तो अभी मुझे लगता है ये फाइनल लैप होगा, और ट्रैफिक भी आगे से गाइस बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन कोई इशू नहीं है। अभी ये क्या हो गया, तो गाइस अभी हमें स्पीड में जाना होगा, क्योंकि अभी मतलब रेस ख़त्म होने वाली है और वो दो व्हीकल मेरे आगे निकल चुके हैं। अभी हमें ब्रेक लगानी नहीं होगी गाइस, देखते हैं। और स्पेशल एबिलिटी का यूज़ ही करना होगा। तो गाइस यस फाइनली अभी मैं यहाँ पे फिनिश लाइन में आ गया हूँ। तो बहुत मुश्किल से गाइस रेस जीती, क्योंकि मेरा 3 बार एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे, मतलब। तो गाइस अभी फाइनली हमने यहाँ पे रेस तो जीत ली, मतलब 1st प्लेस पे आ गए। और हमारे यहाँ पे गाइस व्हीकल भी थोड़ी डैमेज हो चुकी है फिर से, लेकिन एक इशू हो चुका है, वो ये है कि अभी ये मुझे प्राइस नहीं दे रहे गाइस, वो जो हमने मतलब जीता था यहाँ पे। तो ये बोले कि मैंने कोई चीटिंग की क्या यार, सब लोग भाग क्यों रहे वैसे गाइस, पता नहीं कोई गैंग मेंबर्स होंगे, लेकिन अभी ये मुझे प्राइस नहीं दे रहे गाइस, ये बोले कि मैंने चीटिंग की है रेस के अंदर। तो यार मैं इनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बहुत मतलब मेहनत से ये व्हीकल अपनी कस्टमाइज करवाई थी यहाँ पे, मतलब बहुत पैसे भी खर्च हुए। तो यार इनसे मैं पूछ लेता हूँ क्यों मैंने वैसे चीटिंग तो नहीं की गाइस, सिर्फ स्पेशल एबिलिटी का यूज़ किया है, और इनको तो वैसे पता नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मुझे लगता है ये वो केस है गाइस जो प्राइस वाला है, इनसे मैं बात कर लेता हूँ गाइस, को बोलता हूँ कि हमने कोई भी चीटिंग नहीं की यहाँ पे। ये वैसे गैंग मेंबर्स लगते हैं, लेकिन यार अभी ट्राई करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे इससे फाइनली बात कर ली, ये मुझे नहीं देने वाले ये प्राइस, बोला कि मैंने चीटिंग की। तो इनको अभी हमने किल करना होगा गाइस, उसके बाद ये प्राइस जो है स्टील करना होगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे गैंग मेंबर्स हैं, लेकिन सबको किल करना होगा। और फिर ये मतलब जो ब्रीफ केस है गाइस, इसको लेके जाना होगा, क्योंकि इसके अंदर ही वो प्राइस है। अच्छा किया गया, वैसे भी लमार मेरे साथ है, तो इसकी वजह से हमारी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं गाइस कितने यहाँ पे इनके मेंबर्स होंगे गैंग के। और यहाँ से भी आ रहे हैं गाइस पीछे से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एरिया अभी क्लियर हो चुका है, लेकिन सामने कुछ अभी आ चुके हैं, इनको भी किल करते हैं, पता नहीं कहाँ, नजर तो वैसे नहीं आ रहे। तो लगता है गाइस सभी किल हो चुके हैं, तो जल्दी से ये मतलब ब्रीफकेस उठा लेता हूँ मैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी मैंने फाइनली यहाँ पे ब्रीफकेस उठा लिया, जिसके अंदर वो प्राइस थी आज, मतलब जो रेस करने के बाद हमें मिलने वाली थी, लेकिन इन्होंने नहीं दी। तो अभी आ जाओ हमारे यहाँ से भागते हैं, वैसे भी एम्बुलेंस आ चुकी है। तो गाइस अभी मैं अपनी सेम व्हीकल में जा रहा हूँ अपना ये प्राइस लेके। तो अभी गाइस हम इससे मतलब इस व्हीकल को रिपेयर भी करा सकते हैं, उसके अलावा गाइस उसके बाद भी हमारे बहुत ज़्यादा
पैसे बचेंगे, मतलब रिपेयर कराने के बाद भी। ये अच्छा हो गया कि जब हम वापस जा रहे हैं फर्स्ट तो इस व्हीकल को रिपेयर करा लेते हैं, मतलब इस एरिया से निकलते हैं। ये हो सकता है कि इनका बैकअप आ जाए, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें सेम उसी रिपेयर शॉप पे जाना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे फाइनली वापस आ चुका हूँ गाइस, जहाँ पे हमने रिपेयर शॉप पे पहले अपनी व्हीकल को कस्टमाइज किया था। तो यहाँ पे भी आ चुके हैं गाइस, जल्दी से फिर से इसको रिपेयर करा लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है इनका बैकअप ना आ जाए यार। अभी मैं जा रहा हूँ और लगता है गाइस इनका बैकअप आ चुका है यहाँ पे। तो फर्स्ट तो यार हमें इस व्हीकल को कहीं सेव करना होगा, उनके बाद ये एरिया पहले क्लियर करना होगा गाइस। लगता है ये इनका अभी यहाँ पे बैकअप आ चुका है, जो मतलब क्योंकि मैंने इनका प्राइस स्टील किया है। तो आ जाओ नमार, अभी हेल्प करो यार, अभी इनको फिर से किल करना होगा। वैसे गाइस इनका लास्ट बैकअप लगता है, इसके बाद हम मतलब रिपेयर करा लेंगे व्हीकल को। तो लगता है गाइस मैं इतना मतलब यहाँ से तो उसको किल करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं रूफ की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से मतलब क्लियरली देख सकते हैं कि कितने इनके मेंबर्स होंगे। और यहाँ पे मतलब वेपन भी चेंज कर लेते हैं, अभी यहाँ पे ये उठा लेते हैं दूसरा वेपन। प्लीज गाइस फाइनली यहाँ पे जितने भी इनके मेंबर्स थे सब किल हो चुके हैं, मतलब इनका बैकअप। तो अभी हम मतलब यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, हमने फाइनली उनका प्राइस भी स्टील कर लिया है। वैसे यार स्टील तो नहीं करना था, लेकिन इन्होंने हमें दिया नहीं, इस वजह से करना पड़ा। तो अभी बस लमार का वेट कर लेते हैं, फिर हम उसमें एरिया में जाएंगे। प्लीज़ गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने व्हीकल फिर से रिपेयर करा लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि ताकि उनको शक ना होगा उनके गैंग मेंबर्स को जिनको हमने किल किया है, उनका प्राइस भी हमने स्टील किया है। अभी हमारी व्हीकल फिर से रिपेयर हो चुकी है गाइस, हमने मतलब कस्टमाइज भी करा ली थी, रेस भी वैसे जीत ली थी, लेकिन प्राइस भी हमने स्टील करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे हमारा कलर भी चेंज हो गया। तो गाइस ये था आज का गेम प्ले, आई होप कि गाइस आपको अच्छा लगा हो। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।